अलीगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिला प्रत्याशी, बनाए दो कार्यवाहक अध्यक्ष। अलीगढ़ में टिकट घोषित करने के मामले में भाजपा व कांग्रेस में एक जैसे हालात हैं। कांग्रेस को अभी तक मजबूत प्रत्याशी नहीं मिला है। हालांकि पार्टी ने पहले चरण के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, मगर अलीगढ़ मेयर के प्रत्याशी पद के लिए रविवार को प्रत्याशी खोजने और कुछ को मनाने का दौर रविवार को दिन भर चला। इसी क्रम में शहर को दो हिस्सों में बांट कर महानगर अध्यक्ष के साथ दो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनमें एक कार्यवाहक अध्यक्ष पुराने शहर में और एक सिविल लाइंस इलाके में संगठन के लिए काम करेगा। पार्टी और से जारी सूचना के अनुसार महानगर अध्यक्ष के साथ दो कार्यवाहक अध्यक्ष लगाए गए हैं। इनमें अजय शर्मा और अनवर अकील शामिल हैं। दोनों को कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा देते हुए अजय शर्मा को सिविल लाइंस एरिया में, अनवर अकील को पुराने शहर में संगठन मजबूती की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हीं दोनों को महानगर व जिले की कमान भी दी जा सकती है। इधर संगठन में मेयर पद के लिए रविवार दिन तक चले मंथन में दो नाम सामने आए हैं, मगर इनमें से एक नाम पर खुद उस व्यक्ति ने इनकार किया है, जबकि दूसरे को पार्टी इतना मजबूत नहीं मानकर चल रही है। ऐसे में रविवार को देश शाम तक नए नाम पर विचार होता रहा और खोज होती रही। इस बीच शहर के कुछ प्रमुख नामों पर चर्चा करते हुए उन्हें मनाने का काम जारी रहा। हालात ये रहे कि पार्टी देर रात समाचार लिखे जाने तक किसी मजबूत नाम पर मोहर नहीं लगा सकी, जिसे पार्टी हाईकमान स्तर से फाइनल किया जा सके। चूंकि अब समय बहुत कम है और सोमवार से नामांकन शुरू होना है, इसलिए अगले दो दिन में ही प्रत्याशी घोषणा का काम पूरा होना है। इस विषय में पार्टी पदाधिकारी इतना ही बताते हैं कि हर स्तर पर प्रयास जारी है, एक दो दिन में नाम फाइनल कर दिया जाएगा।